देखिए कमेंट पढ़ना तो हमारा आदत है, हर किसी का कमेंट भी पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। कमेंट पढ़ते पढ़ते एक तो कमेंट हमको दिखा कि सैमसंग गैलेक्सी S23 को नहीं लेना चाहिए, क्या है कि इसमें बनाना ब्लर इशू है। आप जिन लोगों को नहीं पता कि बनाना ब्लर इशू क्या होता, थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद लाइव प्रैक्टिकल में आपको करके भी दिखा देंगे कि सैमसंग गैलेक्सी S23 में बनाना ब्लर इशू है कि नहीं, एकदम ऑथेंटिक तरीके से बता देते हैं। कि बहुत सारे लोग आपको छोटी मोटी कमियां बता के अच्छा डील छुड़वा देते हैं ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बेसिकली इसमें होता यह है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का फोटो खींचते हो, कि मान लीजिए इस डब्बा का फोटो खींच रहे हो, तो पर्टिकुलर इतना आपको टेक्स्ट चाहिए होगा। जब आप इसका फोटो क्लिक करेंगे ना, तो कुछ एरिया जो है यहाँ पे इस टाइप से जो है आपका ब्लर दिखाने लगेगा, यानी कि जो ब्लर का जो शेप होगा ना वो बनाना टाइप का हो जाएगा, और आपका जो है बीच बीच में जो टेक्स्ट है वो ब्लर टाइप का देखने को आपको मिलेगा। उसी टाइप का जब आप जो है फोटो वगैरह क्लिक करते हो, मान लीजिए कॉपी का ले रहे हो या किसी डॉक्यूमेंट का फोटो ले रहे हो, तो वहां पे भी आपको वो इशू देखने को मिलेगा। तो देखा जाए ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, लेकिन क्या सच में ये प्रॉब्लम इस फोन में है भी कि नहीं, या झूठ मूठ का बोतलबाजी चल रहा है भाई झूठ मूठ का व्लॉगिंग पढ़वाने के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम दिखता तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एकदम लाइव करके दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दिखता है तो लाल कलर का बटन टिपिएगा ना, टिप दीजिए भाई। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 ऑब्जेक्ट आप लोगों के लिए रखा, जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि बनाना ब्लर इशू जो है S23 में है कि नहीं। चारों अलग अलग टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, चारों में टेक्स्ट लिखा हुआ है। बनाना ब्लर इशू वाला जो होता है वो बेसिकली टेक्स्ट में ही होता, तो इसलिए इस टाइप से हम आपको दिखाते रहे, आपको अंदाजा लग जाएगा। तो पहला फोटो को हम यहाँ पे फटाक से क्लिक कर लेते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर ली ताकि आपको एकदम लाइव और सही चीजें यहाँ पे समझ में आ पाए। तो और दूसरे नंबर का भी फोटो फटाक से क्लिक कर लेते हैं, और थर्ड नंबर का भी यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और चौथे नंबर का भी जो है टेक्स्ट दिखाते हुए हम यहाँ पे फोटो क्लिक कर लेते हैं। फटाक से यहाँ पे देखते हैं कि ब्लर इशू हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी तरह का ब्लर आपको नहीं दिख रहा होगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है विजिबल है। सेकंड नंबर की बात करें तो देखिए सेकंड नंबर में भी कोई भी तरह का जो है ब्लर जो है नहीं दिख रहा है, जो टेक्स्ट में एकदम आराम से विजिबल है। तीसरा नंबर फोटो आप देख सकते हैं, इसमें भी कोई भी तरह का ब्लर नहीं है, और ना ही इस वाले फोटो में। तो अलग अलग कंडीशन में हमने आपको देखा, टेक्निकली आपको इस टाइप से इसलिए दिखा दिए ताकि यहाँ पे आपको जजमेंट लेने में आसानी हो, सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल से कहने से और कुछ कमेंट पढ़ने से कि भाई सैमसंग गैलेक्सी S23 में बनाना ब्लर इशू है। तो मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दीबाजी कर देते, तो यहाँ पे किसी एक के बोलने से मत मानिए। अगर इस स्मार्टफोन में बनाना ब्लर इशू होता तो मेरे हिसाब से अब तक बहुत लोगों ने आपको बता दिया होता, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि इस तरह से आपको लाइव करके दिखा दें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S23 में बनाना ब्लर इशू नहीं, किसी किसी यूनिट में हो भी सकता है लेकिन मेरे वाले यूनिट में बिल्कुल भी नहीं। और अगर इस टाइप का इशू होता इस फ्लैगशिप में तो भाई सैमसंग का तो यहाँ पे धजिया उड़ चुका होता अब तक, तो समझ रहे होंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप का ऑथेंटिक वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।